पंजाब पहुंच गए राजा भैया। नमस्कार 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 तो होगी तुमसे क्या 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 दाढ़ी तुमने तो उम्र बड़ी कर दी। अरे भाई साहब वादा किया था जब तक कंपनी बड़ी नहीं करूंगा तब तक शेव नहीं कराऊंगा। अब मेरी दाढ़ी के क्यों पीछे पड़े हुए भाई? मैंने तुमसे कही दाढ़ी कटवाओ बढ़िया से। अरे भाई साहब मेरी आप प्रोडक्ट की बात करिए, दाढ़ी को छोड़िए भाई साहब। क्या है यू मशीन कैसी है? कटोरे से दो क्यों है? मैं बता रहा हूँ ठीक है जी। ये भाई साहब 2-in-1 मशीन है, राइस मिल भी है और ग्राइंडर भी है। इस ग्राइंडर से आप मसाले पीस सकते हैं, आटा पीस सकते हैं, इससे आप चावल निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल आधुनिक किस्म की हमने डिजाइन की है, डिफरेंट डिजाइन की है। पहले क्या होता था जो इसकी पीछे मोटर लगी हुई है को बहुत चेंज किया है, वो फॉरवर्ड भी घूमती है रिवर्सिबल भी घूमती है। पहले क्या होता था जो राइस मिलें होती थी उसके साथ ग्राइंडर साथ में चलता रहता था और मोटर के ऊपर लोड पड़ता था और मोटर जल्दी बर्न हो जाती थी। अब क्या है आपने कुछ नहीं करना, अगर आपने इधर को कर दिया ये राइस मिलें चलने लग गई ठीक है, दूसरा बंद हो गया। अगर आपने इसको ये देखो ये स्टॉप हो गया, अगर इसको ऐसे कर दिया तो ग्राइंडर चलने लग गया जी। मतलब इससे क्या है जो मोटर है फॉरवर्ड भी घूमती है रिवर्सिबल भी घूमती है, मतलब मोटर में कलाकारी है, मोटर में कलाकारी है। ये देखिए पीछे आके देखिए, आपको ध्यान से पजामा भी लगा रखा है नया सफेद। ये देखिए इधर से आके देखिए पजामा इनके भी दे देखिए। अच्छा यू मोटर है, ये देखिए एक बार फॉरवर्ड घूमेगी मोटर, ये देखिए। अगर आपने इसको बंद कर दिया दूसरी पुली चली, ये इसमें जो पुली है ना जी ये बड़ी डिफर दी गई है, क्लच सिस्टम है इसमें, क्लच खुल जाता है जी। और एक चीज और आधुनिक की है बड़ी, देखिए जो हमारा जो ग्राइंडर है ना, मैं इसको अंदर से खोल के दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए मसाले कुछ भी पीस सकते हैं, जो ये ग्राइंडर है ये भी चेंज कर दिया। पहले क्या थी ये वाली पूरी जाली होती थी, जाली चेंज करना बड़ा मुश्किल होता था। अब क्या है सिर्फ हल्का सा ये वाली जाली जहाँ से खींची जाएगी, जैसे कि मोटा पतला पीसना है आपने, ये जाली ऐसे फिट हो जाएगी और ऐसे करके आपने लगा देना, बड़ा सिंपल है जी। अब इस काम को तो राजा भैया जैसे किसी के घर में मान लो जननी पे जिम्मेदारी, अरे कोई भी कर सकता। पहले जाली में बहुत दिक्कत आती थी, चेंज करने में बड़ी दिक्कत आती थी। पहले क्या थी जाली का जो पूरा निकालना पड़ता था, जाली चेंज करना पड़ता था, अब बड़ा आसान हो गया है जी। मैं देख लो हाथ से लिखा, अरे निकाल के देख लो, अरे वाह ये तो नहीं लिखट जाएगी। अब डाल दो इसमें जी, देखो डालने के लिए आसान है, ध्यान रखना है। जब ये डाल दिया आपने ऐसे करके इसको टाइट बंद करना है, लूज नहीं छोड़ना जी, आप इसको टाइट कर देना जी। एक बार सामने आ जाओ राजा जी। भाई साहब एक बात और बताओ जी भाई, तो यू क्या क्या पीस सके? पीस आप कुछ भी सकते हैं, मिर्च पीस सकते हैं, हल्दी पीस सकते हैं, गेहूं पीस सकते हैं, जो मर्जी आपका मन करे मसाले पीस सकते हैं। पिसाई भी करेगी और चावल भी निकालेगी। चावल की तो मशीन मिलती नहीं, अब तो अपनी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल जी, एक बार चला के दिखाओ। अभी चला के दिखाते हैं, देखिए देख लिया, देखिए लाइव चलाऊंगा, लाइव भी करेंगे। ये देखिए अभी जैसे आपने क्या करना है, ये देखिए अभी पहले हमने चावल निकालने हैं, ये वाला चालू नहीं, ये बंद है जी। और ये हमने अच्छा ये चावल है, ये देखो जी इसमें धान गिरना शुरू कर, और एक चीज का और ध्यान रखना है, ये चावल निकलने शुरू हो गए। एक चीज का ध्यान रखना है जहाँ पे ना एम्पियर मीटर लगा हुआ है, ये ज्यादा एम्पियर ले रहा है, इसके अंदर को कर देना है थोड़ा सा। देखिए 8 एम्पियर पे आ गया, ऊपर वोल्टेज बता रहा है और नीचे के एम्पियर बता रहा है कि जो मशीन चल रही है उसके एम्पियर करके ऑफ कर देना है। अच्छा, जैसे अब चावल निकल गए, बाल्टी में कितने चावल हो गए एक बार? ये तकरीबन जी मेरे ख्याल में 7 किलो धान डाला था और बिल्कुल भी टूटा नहीं है जी। ये देखिए अच्छा टूटे तो एक भी नहीं पड़ा, ये देखिए इसमें कोई निकलता टूटा, अगर टूटा हुआ जहाँ से निकलता सारा चावल जहाँ से निकला है और जीरो ब्रेकेज आई, ये देखिए नहीं बढ़िया है राजा भैया इसमें देखो। ये देखिए जी वो जहाँ पे आ जाता है इसके पीछे आ जाता है मेरे भाई में, ये देखिए ये देखिए। और सबसे बड़ी बात ये है मैं बिल्कुल भी चावल नहीं आया, ये देखिए जी। नहीं क्या होता है बड़े बड़े जो शेलर होते हैं ना में से ये धान निकाला जाता है उसमें भी ये काफी परसेंटेज अपने हाथ पे घेर के देख लो दर्शकों, अभी बाद में तुम लोग कहोगे हमने दिखाया, देखो उड़ गया सब। तो राजा भैया ये तो ठीक है जी, यू पजामा तो लिखाड़ेगा यू वाला यू जी 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 जी, यू पजामा क्या लिखाड़ेगा इसमें? भाई साहब ये ग्राइंडर है, इसमें क्या है आप जैसे गेहूं पीसना है, मसाले पीसने हैं, मिर्च पीसना है, हल्दी पीसने है, कुछ भी पीस सकते हैं, बाजरा पीसना है, पिसाई का काम, चने पीसने, पूरा पिसाई का काम होगा जी। ठीक है अच्छा ये आपकी मोहर भी लग रही है इस पर तो कंपनी? बिल्कुल हमारा जो ब्रांड नेम है जहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे बड़ी बात ये है इसमें जो मोटर दी गई है हमारी 3 HP की दी गई है,
एक चीज तो यूं बताओ, चलो तुम्हारी बात मैंने सारी मान ली, मशीन ठीक है, बढ़िया है जी, लेकिन अब यू मशीन जैसे दिख रही है मुझे, हाँ? यू एक घंटे में कितने चावल काट दे? तकरीबन भाई साहब एक क्विंटल से ज्यादा निकाल देगी। एक घंटे में? बिल्कुल एक घंटे में। अर्जुन वाली गाड़ी मशीन है? अरे भाई साहब हो ही नहीं सकता, निकालती मेरे फार्मर बताते हैं कई तो सवा क्विंटल भी निकल जाता है, वैसे मैं एक क्विंटल तक की आराम से गारंटी देता हूँ। अच्छा जी, एक बात और बताओ जी, बिजली कितनी पिएगी? बिजली तो बहुत कम पिएगी मात्र, इसने 2 यूनिट कंज्यूम करने हैं। एक चीज और बताओ जी, इसकी भी गारंटी आवे? बिल्कुल गारंटी आएगी, मशीन की फुल गारंटी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आटा पिसेगा भाई? अरे एकदम अच्छा, पहला आटा गेर का बाद में चालू कर लो, कोई दिक्कत नहीं होती? अरे कोई इसमें दिक्कत नहीं है, अभी जैसे हमने गेहूं डाल दिया इसमें, बहुत है देखो, बिल्कुल अभी आपको निकाल के दिखाएंगे जी सारा काम। राजा भैया अपने आप ही लग रहे हो काम में। अब क्या करना है, हमने जैसे ये गेहूं पीसना है, इस बटन को इधर को कर देना है जी बस। अच्छा ये शुरू हो गया, चलेगा न्यू उल्टी में घुमाओगे तो इंजन का चलेगा। और सुनिए एक चीज का ध्यान रखना है, हाँ जी, यहाँ पे एम्पियर चेक कर लेने हैं, 7.3 एम्पियर चल रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब गेहूं नीचे जा नहीं रहा, जहाँ से आपने हल्का सा खोल देना है। अच्छा, एम्पियर से पता चल जाएगा इसका? जी जी जी। राजा भैया पजामा तो फूल गए हो? अरे पजामा नहीं फूला भाई साहब, ऐसा है हाँ? इसके पीछे जो गेहूं हम जो पीस रहे हैं, ये नीचे जो गेहूं जा रहा है, ये आटा की पिसाई हो रही है जी। आवाज बहुत कम कर रही है, आवाज तो आएगी नहीं, साइलेंट है भाई साहब। मैं वही तो कह रहा हूँ, क्योंकि मोटर को स्पेशल डिजाइन किया गया है भाई साहब। नहीं वाकई में बढ़िया लग रही, मुझे तो पसंद आ रही जी। तो एक बार गेहूं निकाल के दिखाओ, आटा पिसाओ। गेहूं निकालना है, आटा निकालना है। अभी आ जाइए, अभी जहाँ से इसको बंद कर देते हैं। अच्छा अच्छा, ये देखिए जहाँ से स्टॉप हो गया, हो गया जी। देखिए अब इसमें कैसा निकला है, अभी आपको दिखा देते हैं। बारीक होना चाहिए, बिल्कुल बारीक निकलेगा जी, ये देख बिल्कुल मैदे की तरह निकलेगा। मैं देखूं अपने हाथ से? आप अपने हाथ से देख लो जी। हाय हाय भाई, बारीक है भाई, वाकई में बारीक है। बिल्कुल मैदा बना दिया जी इसको। हो तुम कमाल के आदमी। शुक्रिया। अभी और कौन सा मसाला पीसना है बताओ, और कौन सा मसाला? दाढ़ी कटवा दो। दाढ़ी नहीं कटाऊंगा, जब मैंने एक वचन दिया अपने किसान भाइयों को, जब तक मैं अपनी नई कंपनी को बड़ा नहीं करूंगा तब तक दाढ़ी नहीं काटूंगा। 1000 मशीन से भी ज्यादा बिकेंगे? अरे भाई साहब 1000 क्या होते है, सपना गड़गड़ पे भेजना है जी। अच्छा, कम से कम ये 50,000 मशीन भेजना है, 1000 क्या होता है, बच्चों वाली बात करोगे, उस दिन कटा दूंगा जी। तो दोस्तों भाई दबा के मशीन खींचो, क्योंकि जो मशीन होपर मशीन से ज्यादा बढ़िया है, मैं यू तुम्हें फिर भी बता रहा हूँ, होपर मशीन से ज्यादा अच्छी है। एक बात और बताओ राजा भैया, बोलिए, यू सिंगल फेस में चलेगी डबल फेस में? सिंगल फेस में चलेगी ये, और इसमें 3 HP की मोटर लगाई हुई है, और जो कितनी ज्यादा से ज्यादा 2 यूनिट कंज्यूम करेगी भाई साहब, मतलब फ्री बराबर खर्चे में। बिल्कुल जी बिल्कुल भाई, ठीक है, साइकिलों पे हाड़ा धरे फिर जहाँ लोग गाँव में दुर्गति से बच जाएंगे। वो कैसे जी, मुझे समझ में नहीं आया, आपकी भाषा नहीं समझ में, थोड़ा शुद्ध हिंदी बोला करिए। किसान ये हमारे शामली वाले ताऊ जी ऐसी है जी, साइकिलों पे हाड़ा ठाए फिर जानी चाहते बस। तो राजा भैया आपका धन्यवाद। अच्छा एक चीज और बताओ जी, इसके पैसे वैसे की बात बताओ थोड़ा। देखिए जो इसका जो प्राइस है, ये कंप्लीट मशीन का, जिसमें ये हमने स्पेशल स्टार्टर भी लगा दिया, ये स्विच भी लगा दिया है, हाँ। इसका जो प्राइस है 36,000 रुपया है, इसमें ये कंप्लीट है, ये मशीन जाएगी डिलीवरी घर तक फ्री है, और साथ में ये 3 किस्म की ये जालियां भी एक्स्ट्रा फ्री में देंगी, इसमें आप पतला ब्रिक जैसे मर्जी पीस सकते हैं जी। मैंने सोचा गेहूं भी दे रहे देखो कटा नहीं, नहीं गेहूं तो भाई साहब किसान ने मुझे देना है, मैंने थोड़ी सही बात है। अच्छा ये 3 जाली ये मशीन जी, जी दोनों मोटर जी जी, और ये फुल फीचर्स के साथ जितना भी सामान पैक होके जाएगी जी, कितने रुपए बताए? 36,000 रुपया। अब रिहात का क्या होएगा, आपने जो हमें आपकी आपका नाम लेगा या हमें आपकी वीडियो का स्क्रीनशॉट भेजेगा, उसको स्पेशल 2,000 रुपए का डिस्काउंट देंगे, उसको ये 34,000 की देंगे, और घर तक डिलीवरी भी फ्री। मैं पीछे 21 दिन पहले आया था, जब आप यू कह रहे थे कि अब स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं, सिर्फ चैनल का नाम बता दो, चैनल का नाम बता दें या स्क्रीनशॉट भेज दें, जो भी भेज दें हमें पता चल जाएगा, मतलब किसान की मर्जी है। बिल्कुल जी, किसान पक्की हो? बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा घर तक जाने का खर्चा कुछ नहीं, डिलीवरी फ्री है जी घर तक। एक बार नु बताओ इस मशीन का नाम क्या बतावा, इसको 2-in-1 बोल सकते हैं, राइस प्लस ग्राइंडर बोल सकते हैं, वैसे इसका हमने मॉडल नंबर भी लगा दिया है, C40 मॉडल नंबर दे दिया है जी। मान लो जो हमारे यूपी वाले ने कहा चून पीसने की मशीन क्या पैसे के लिए, क्या होता है, चावल बोलिए, चावल भाई, चून नहीं चावल बोलते हैं, नहीं पिसाई के लिए आटे को चून ही कह कर। अच्छा मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं। अच्छा मंगवाने का तरीका बताओ, मंगाने का तरीका ये है भाई साहब, किसान भाई हमारी कंपनी में विजिट कर सकते हैं, उनको लाइव डेमो दिया जाएगा। अच्छा, जो किसान भाई नहीं भी आ सकते हैं, दूर दूर रहते हैं, वो उनको हम ऑनलाइन भेज देंगे, उनको अपना कंपनी का अकाउंट नंबर भेजेंगे, उसमें मात्र 2,000 रुपया डलवाना है, और आधार कार्ड का फोटो भेज देना, अगर आधार कार्ड नहीं भेजना चाहते तो पूरा एड्रेस इंग्लिश में लिख के भेजिए,
मशीन जब उनके क्षेत्र में पहुंच गई, कोरियर वाला भी फोन करेगा, उनको हम भी फोन करेंगे, तब उन्होंने बाकी का पैसा अकाउंट में डलवा देना है। और जब उन्होंने बाकी का पैसा अकाउंट में डलवा दिया तो मशीन उनके घर पे बिल्कुल डिलीवरी फ्री देगी, डिलीवरी का कोई पैसा नहीं है। एक बात और बताओ जी, बोलिए। एक फोन पे गूगल पे चल रहे हैं इनके, वो भी अगर किसी किसान भाई ने अकाउंट में पैसा नहीं डलवाता, हम कंपनी से फोन पे गूगल पे का नंबर भेज देंगे तो उसमें भी डलवा सकते हैं। ठीक है।